आधार कार्ड में ऑनलाइन डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराने का प्रोसेस चेंज हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड में ऑनलाइन डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने का लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए आपको इस न्यू पोर्टल पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आप यहाँ डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आप प्रोफाइल पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड देख सकते हैं। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भी देखने को मिल जाएगी। अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए आप अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अपने आधार कार्ड में नेम आप दो बार अपडेट करा सकते हैं, जबकि डेट ऑफ बर्थ आप सिर्फ एक बार अपडेट करा सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराने के लिए आप डेट ऑफ बर्थ पर टिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड में पहले से जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। जो आपको न्यू डेट ऑफ बर्थ रखनी है वो आप यहाँ पर चूज करेंगे कैलेंडर से। इसके बाद मंथ चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जनवरी चूज कर लेता हूं। इसके बाद डेट चूज करेंगे। तो जो भी आपको अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ रखवानी है वो आप यहां पर कैलेंडर से चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पैन कार्ड देना चाहता हूं, तो पैन कार्ड चूज कर लूंगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप चूज करते हैं वो आपको अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू टू अपलोड। डॉक्यूमेंट आपको क्लियर स्कैन कर लेना है या उसका एक फोटो क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ चूज करेंगे और अपलोड कर देंगे। आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि आप अपने आधार कार्ड में ये डेट ऑफ बर्थ कराना चाहते हैं। कंफर्म करने के लिए ओके करेंगे। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको 50 रुपीज का पेमेंट करना होगा। तो आप टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट गेटवे पर, जहां से आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, पेटीएम या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना चाहता हूँ। इसमें बैंक चूज कर लेंगे किस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग से आप पे करना चाहते हैं। आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा नेट बैंकिंग पेज पर, जहां से आप यूजर आईडी पासवर्ड डालकर अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी, जो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद गो टू डैशबोर्ड। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने की रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। कभी भी स्टेटस चेक करने के लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसमें आपको रिक्वेस्ट का स्टेटस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी ये वेरिफिकेशन स्टेज में है। जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा सकते हैं।